दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जीरोधा डीमैट अकाउंट कैसे ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका डीमैट अकाउंट पड़ा रहता है, आप उसका यूज नहीं करते हैं, तो आपको कई सारे चार्जेस जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो आप लोगों को पे करने होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बेहतर है अगर आप उसका यूज नहीं करते हैं तो आप अपना जीरोधा का जो भी डीमैट अकाउंट है आप उसे ऑनलाइन 2 मिनट में क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में जाना है। आपको अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको काइट जीरोधा। जैसे इसे लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे काइट जीरोधा लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे सीधे आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ही देखिए पासवर्ड आपको डालना है। यूजर आईडी यहाँ पर पहले से ही है, अगर आपकी नहीं पड़ी है तो आपको डाल लेना है यहाँ से। या फिर देखिए चेंज यूजर है, अगर आपकी कोई दूसरी आईडी से आपको क्लोज करना है अकाउंट तो यहाँ से आप उसकी यूजर आईडी है चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसे यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगोट यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर आप अपनी आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगोट कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना है, पैन नंबर डालना है और आप आसानी से उसे रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का एक पिन डालना होगा, जो भी पिन आपने बनाया था। तो अगर आप वो पिन भूल गए हैं तो यहाँ से वो भी फॉरगोट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पिन डाला, दोस्तों आप सिंपली इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपकी राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होगी, नीचे आपका नाम दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो कंसोल का ऑप्शन दिख रहा है ये ऊपर से थर्ड नंबर पर आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर माई प्रोफाइल है, फिर फंड्स है, कंसोल है, क्वाइन है। इसमें जो कंसोल का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंसोल पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे राइट कॉर्नर में 3 लाइन्स दिख रही हैं, इन 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ये आपकी जो आईडी सबसे ऊपर दिख रही है जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ आपको क्या करना है, ये जो आपको लेफ्ट में देखेंगे ये ब्लू एरो जैसा बना दिख रहा है, ये ब्लू लाइन है और इसमें ये वाइट एरो बना है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। पर्सनल, नॉमिनी, बैंक, डीमैट, सेगमेंट, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो सेगमेंट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको अपने अकाउंट को क्लोज करना है तो सेगमेंट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे आप सेगमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे देखेंगे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। दोस्तों, सिंपली आपको अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें लिखा है व्हाई आर यू क्लोजिंग योर अकाउंट, आप अपना जो डीमैट अकाउंट है किस वजह से बंद कर रहे हैं। तो आपकी जो भी दिक्कत हो आप लिख सकते हैं, या फिर आप लॉसिंग इन ट्रेडिंग लिख सकते हैं कि मेरा काफ़ी लॉस हुआ है ट्रेडिंग में। और यहाँ पर आपको 4-5 वर्ड भी कुछ लिखने होंगे, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए किस वजह से मैं इसे बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखने के बाद नीचे आप देखेंगे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन है, यहाँ से आपको ई साइन करना होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। साइन नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे साइन नाउ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये चेकबॉक्स है, इसमें एक टिक लगा देना है और आपको अपना वो आधार नंबर डाल देना है जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया था। तो आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साइन सक्सेसफुली हो चुका है, यू आर रिसीव साइन कॉपी। ये देखिए दोस्तों, आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया गया है। या आप नेक्स्ट में वापस आ जाएंगे, पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। योर अकाउंट क्लोजर इन प्रोग्रेस, यू विल रिसीव इन ईमेल विन द क्लोजर इन कम्प्लीट। दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट क्लोज होगा आपको एक मेल आ जाएगा, जो भी मेल आईडी आपकी पड़ी हुई थी अकाउंट में उसी मेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा। दोस्तों, आपका जो भी अकाउंट क्लोजर का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है।
और अब आपको अगले 4 से 5 दिनों में एक मेल आ जाएगा। ये जनरली 2 से 4 घंटे में ही मेल आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 7 डेज का है, तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। भविष्य में आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी आप अपना अकाउंट क्लोज करें तो आपका जो बैलेंस हो वो 0 होना चाहिए, चाहे वो आपका बैलेंस हो या फिर अगर बैलेंस माइनस में है तो दोस्तों आपको पे करना होगा। वहीं अगर आपका कुछ बैलेंस है इसमें तो वहाँ से आपको विड्रॉ कर लेना है। जब तक आप 0 नहीं करेंगे आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो अगर आपका बैलेंस है तब आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसे 0 कर दीजिए, या फिर अगर इसमें कोई बैलेंस माइनस में चल रहा है, कोई भी चार्जेस हैं आपने पे नहीं करे हैं, तो उन्हें दे करके, क्योंकि अगर वो चार्जेस आप पे करके नहीं देंगे, अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, तो हमेशा वो आपके खाते से चार्जेस कटते रहेंगे और वो आपका खाता माइनस में जाता रहेगा, जिससे आपकी सिविल पर बुरा असर पड़ता रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।